और गाइस यहाँ पे हमने कर लिया है टाउन हॉल 16। भाई साहब कितना सेटिस्फाइंग मूवमेंट है ये, भाई बता नहीं सकते। तो गाइस टाउन हॉल 16 आ चुका है क्लैश ऑफ क्लैंस में। न्यू डिफेंसेस, न्यू पेट, न्यू ट्रूप, न्यू हीरोज का लेवल, कुछ डिफेंसेस का लेवल एंड हीरोज इक्विपमेंट्स। भाई साहब क्या ही तो बना दिया क्लैश ऑफ क्लैंस ने, मुझसे लिटरली रहा नहीं जा रहा। मैंने कल ही ब्लैक स्मिथ को लगा दिया था और आज बस वीडियो बनाने के लिए मैंने छोड़ के रखा। और अभी इसी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टाउन हॉल 16। हमारे पास जितना भी रिसोर्सेस है, मैजिक आइटम्स है, इसी वीडियो में इन्वेस्ट करेंगे। उसके साथ साथ एक हीरो को हम लोग पूरा का पूरा मैक्स्ड आउट करेंगे। तो वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, पूरा एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के साथ। और ये हो गया हमारा अर्थक्वेक बूट्स जो हम किंग के ऊपर लगाएंगे। और ये बता रहे हैं विलेजर्स को चचा वेटिंग, यू कैन यूज इट टू अनलॉक द अपग्रेड, जो भी है। बाकी ये लगा देंगे सीधा, ये जो रेज है इसके बदले यहाँ पे अर्थक्वेक बूट्स लगा देंगे। चलो लगा दिया, अब चलेंगे टाउन हॉल के ऊपर। उसके पहले हमारे पास जितना भी सीजन चैलेंजेस का रिवर्स पड़ा हुआ है वो पहले क्लेम करेंगे। और आ गए हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे अभी भी कुछ रिवर्स अनलॉक हुआ नहीं है, सिंपली कुछ चैलेंजेस अभी तक पूरा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे कुछ जेम्स से हम लोग ये अनलॉक कर देते हैं। एक हो गया, दूसरा हो गया, ओके देन। भाई इच्छा तो हो नहीं रहा बट करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ओके चलो चार, और ये हो गया पाँच। चलो बहुत सारा जिम चला गया भाई साहब। अब यहाँ पे क्लेम करते हैं, चलो पहले से स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पे आ गया क्लॉक टावर पोशन, क्लेम करेंगे। उसके बाद कैपिटल गोल्ड, देन बिल्डर स्टार जार आ जाएगा, बुक ऑफ फाइटिंग ले लेंगे। अच्छा एक है हमारे पास। उसके बाद पावर पोशन, रिसोर्स पोशन आ गया, दो हीरो पोशन भी ले लेंगे, वर्ल्ड रिंग्स ले लेंगे, देन सुपर पोशन भी ले लेंगे। एंड देन आ जाएगा फिर से पावर पोशन, फिर से हीरो पोशन हमें चाहिए होगा, और यहाँ पे कैपिटल गोल्ड भी ले लेंगे। देन आ जाएगा गोल्ड रून, देन एलिक्सर रून, एंड फिर कहाँ गया और कहाँ गया, ये आ गया बिल्डर गोल्ड। अच्छा बिल्डर गोल्ड रून, देन बिल्डर गोल्ड, देन बिल्डर एलिक्सर आ गया, देन आ जाएगा डार्क। अच्छा रुको, डार्क एलिक्सर हमारे पास फुल है तो लेंगे नहीं। उसके बाद बुक ऑफ स्पेल, अच्छा ये भी है हमारे पास। उसके बाद गोल्ड अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। सेम तरीके से वॉल रिंग्स ले लेंगे, और इधर आ जाएगा डार्क एलिक्सर रून, ये ले लेंगे, बिल्डर पोशन ले लेंगे, देन कैपिटल गोल्ड ले लेंगे, और बुक ऑफ हीरो हमारे पास है, ऑब्स्टिकल ले लेंगे, डार्क एलिक्सर रहने देंगे, कैपिटल गोल्ड ले लेंगे, बुक ऑफ बिल्डिंग ले लेंगे, और इसके बाद हाँ बुक ऑफ हीरो ले नहीं सकते। तो अभी गाइस देख सकते हो हमारे पास कितना सारा मैजिक आइटम्स है। वैसे हमारे पास दो ही बिल्डर खाली है, जितना हो सके इसी से हमें काम निपटाना पड़ेगा। तो अब वो पल आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। टाउन हॉल 15 से हम लोग टाउन हॉल 16 के ऊपर जाएंगे। तो इसको हम अपग्रेड करेंगे हैमर के साथ, ना ही लूट के साथ, क्योंकि बाकी और भी चीजें हमें करना है। तो चलो यहाँ पे कर देते हैं, ये रहा हमारा हैमर, 1 2 3 गो। चलो गाइस यहाँ पे टाउन हॉल 16 आ चुका है, यहाँ पे बूस्ट वगैरह चुका है 5 दिन के लिए। ओके चलो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, टाउन हॉल 16 हो गया। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले करेंगे लेबोरेटरी को मैक्स, क्योंकि अगर लेबोरेटरी को मैक्स नहीं करेंगे तो बाकी जितना भी आर्मी का अपग्रेड लेवल आया है वो हम लोग अपग्रेड पे डाल नहीं पाएंगे। तो अभी जाएंगे लैब के ऊपर, और इसको यहाँ पे हमें अपग्रेड भी करना है 10.8 मिलियन एलिक्सर, चलो डाल भी दिया। अब इसको फिनिश करेंगे बुक ऑफ बिल्डिंग के साथ, ऑल राइट डन। चलो हो गया लेवल 14 का। और अभी हम जाएंगे क्वीन के ऊपर, क्योंकि हमें क्वीन भी तो मैक्सड आउट करना है। सबसे पहले क्वीन को हम सभी लोग मैक्सड आउट करते हैं, और मैं भी सेम वही करने वाला हूं। तो एक काम करते हैं, बाकी ये जो हीरोज वगैरह है इनका जो ऑल्टर्स वगैरह है उस तरफ कर देते हैं, और क्वीन को थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाए। और एक काम करते हैं, यहाँ पे टाउन हॉल तो हो गया, मतलब ये तो वन स्टार ही रहेगा, तो वॉल्स के उस तरफ जितना भी चीज है वो तो मैक्सड आउट है ही, तो उस तरफ कर देते हैं टाउन हॉल को, और इस तरफ क्वीन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देते हैं। नहीं यहाँ पे ठीक आई थिंक। तो चलो अभी चलेंगे क्वीन के ऊपर और इसको एक लेवल अपग्रेड करेंगे। तो ये रहा हमारे पास रिसोर्सेज भी है, तो यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे फिनिश भी करेंगे बुक ऑफ हीरो के साथ। चलो यहाँ पे हो गया हमारा क्वीन हो चुका है 91 लेवल का। यहाँ पे देख सकते हो तो बूस्टर लगा हुआ है इसीलिए 95 दिख रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो 91 लेवल का हो चुका है। और इसको हम इसी वीडियो में और भी 4 लेवल अपग्रेड करेंगे, मतलब इसी वीडियो में क्वीन को पूरा मैक्सड आउट कर देंगे। तो फिलहाल के लिए मेरे पास डार्क एलिक्सर खत्म हो चुका है, जितना है उससे हम एक और लेवल नहीं कर सकते, बट जितना भी एलिक्सर और गोल्ड है उससे भी काम कर लेंगे। यहाँ पे लेबोरेटरी को थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद इसकी बारी, देन हम लोग पेट हाउस भी करेंगे, तो पेट हाउस को भी थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। और यहाँ पे
हमारे पास उतना एलिक्सर भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, पहले जितना भी एलिक्सर है उससे एक वॉल आई थिंक हमारा हो सकता है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक वॉल को कर लेते हैं एलिक्सर से। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारा एलिक्सर स्टोरेज खाली हो चुका है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एलिक्सर रूम को यूज कर पाएंगे जो कि हमारे टाउन हॉल के पास है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे टाउन हॉल को थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। तो टॉर्नेडो ट्रैप को उस तरफ कर देते हैं। ओके चलो, और यहाँ पे टाउन हॉल को इधर कर लेते हैं। ओके, और अभी यहाँ पे हम लोग एलिक्सर रून को यूज करेंगे। ये रहा हमारा एलिक्सर रून, और इसको करेंगे यहाँ पे यूज। चलो हो गया हमारा एलिक्सर स्टोरेज फुल। अभी यहाँ पे जाएंगे पेट हाउस के ऊपर और इसको डालेंगे अपग्रेड पे, और इसको फिनिश भी करेंगे बुक ऑफ एवरीथिंग के साथ। सो चलो यहाँ पे हमने कर दिया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास आ चुका है स्पिरिट फॉक्स। भाई साहब क्या एक खतरनाक वाला पेड़ दिया है हमें सुपर सेल ने। वेट अ सेकंड, हम इसको अपग्रेड के लिए भी डाल सकते हैं। ये बस ले रहा है 180,000 डार्क एलिक्सर और हमारे पास है 130,000, मतलब बस 50,000 का कमी है। और हमारे पास कुछ अनक्लेम डार्क एलिक्सर भी पड़ा हुआ है और कुछ रेड मेटल से भी हम ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले अनक्लेम जो डार्क एलिक्सर है वो कलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 20,000 चलो मिल गया, और बाकी 10,000 इस तरफ है तो ये नहीं लेते हैं। रेड मेटल से 25,000 मिल जाएगा, है ना। तो चलो, हाँ ये रहा। तो चलो यहाँ से हमने बाय कर लिया, और यहाँ पे बस रह जाता है 5,000, यहाँ से भी कुछ मिल जाएगा। ओके भाई साहब, बस और 2,000 रह जाता है जो कोई भी मल्टीप्लेयर अटैक से मिल जाएगा। तो चलो एक मल्टीप्लेयर अटैक से बेस मिल ही जाएगा, जहाँ पे लूट ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। चलो, अरे इतना काहे घूम रहे हो भाई, जल्दी करो। ओके चलो, एक बेस मिल चुका है। ओ भाई साहब, यहाँ पे बस 2,500 पड़ा हुआ है। तो चलो यहाँ पे किंग आ जाएगा, क्वीन आ जाएगा, वार्डन भी आ जाएगा, देन किंग का एबिलिटी, क्वीन का एबिलिटी, एंड थोड़ा सा होल्ड करके वार्डन का एबिलिटी। और यहाँ पे बस 180,000 होने दो, तब तक का थोड़ा सा होल्ड करते हैं। ओके, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, अरे जल्दी करो। अरे बस चलो हो गया, अभी ख़त्म करते हैं। तो चलेंगे सीधा यहाँ पे पेट हाउस के ऊपर, ये रहा हमारे पेट हाउस। यहाँ पे चलेंगे स्पिरिट फॉक्स के ऊपर। भाई क्या एक खतरनाक वाला पेड़ दिया है हमें सुपर सेल ने। और यहाँ पे डाल देंगे इनको। ओके चलो, हमने डाल दिया, अभी बस यहाँ पे होने दो, काम खत्म। और अभी हमारे पास बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ है, बट हमारे पास ना ही कोई बुक ऑफ एवरीथिंग है, ना ही कोई बुक ऑफ बिल्डिंग, और ना ही कोई हैमर ऑफ बिल्डिंग, जिससे हम एक और बिल्डिंग कर सके। अब एक्चुअली यहाँ पे बुरा इसलिए लग रहा है कि हम यहाँ पे रोड राइडर को अनलॉक नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, न्यू डिफेंस को यहाँ पे अनलॉक करते हैं, जो कि है मल्टी आर्चर टावर या फिर रिकोचेट कैनन। मेरे ख्याल से मल्टी आर्चर टावर देखते हैं। और चलो ये रहा हमारे मल्टी आर्चर टावर, इसको यहाँ पे लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे विलेजर्स का कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ गया फिर से, द बिल्डर हैड ए वाइल्ड आइडिया फॉर, अरे चला गया फिर से। तो चलो ये सीधा, भाई साहब क्या ही तो तगड़ा ये तरीका निकाला है। ओके, वी टेक टू रेगुलर डिफेंसेस, चला गया। आई कांट, अरे भाई इतना जल्दी मैं क्यों दबा देता हूँ। चलो यहाँ पे चलो इंस्टॉल कर देते हैं, मतलब बिल्ड करते हैं यहाँ पे। तो अभी के लिए हमारा लूट हो चुका है ख़त्म, तो हमें लूट पे जाना पड़ेगा। उसके पहले हमारे पास कुछ एलिक्सर है और कुछ अनक्लेम्ड एलिक्सर भी पड़ा हुआ है, तो वो पहले यहाँ पे क्लेम करेंगे। तो ये रहा हमारे पास, और चलो हो गया, और इससे यहाँ पे एक वॉल हो जाएगा। ओके चलो डन, वॉल कर दिया। अभी चलेंगे सीधा लूट पे, कुछ लूट मार के फिर से वापस आते हैं। तो काफ़ी सारा लूट यहाँ पे हमने कर लिया, जितना हमें चाहिए होता है उतना ही हमें किया है यहाँ पे। तो पहले चलेंगे लेबोरेटरी के ऊपर, और वहाँ पे हमें एक ना एक ट्रूप पहले डालना होगा अपग्रेड पे। तो चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा वाला, हमें सबसे पहले यहाँ पे डार्क राइडर डाल देना चाहिए। तो ये रहा 17.2 मिलियन, भाई साहब इतना सारा एलिक्सर। चलो हमने डाल दिया यहाँ पे, और अभी ओके यहाँ पे हमारे पास रिसर्च पोशन भी है, तो ये भी लगा देते हैं। एक हो गया और ये दो हो गया। ओके, और हमारे पास नहीं है, तो अभी चलेंगे क्वीन के ऊपर क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है। ओ भाई साहब थोड़ा सा रह गया, तो चलेंगे सीधा यहाँ पे जो हमारे पास अनक्लेम्ड 10,000 पड़ा हुआ था डार्क एलिक्सर, तो यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। ओके चलो खत्म, अभी भी कुछ रह गया, तो चलेंगे सीधा रेड मेटल्स के ऊपर, वहाँ पे कुछ एक्सचेंज करके ले सकते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे तो ले लिया पहले, तो एक काम करते हैं रिसर्च पोर्शन ले लेते हैं, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, ये नहीं तो वही सही। और कितना रह जाता है, फिर से जाना पड़ेगा क्या लूट के लिए, भाई मैंने तो कैलकुलेट करके रखा था। अच्छा हाँ चलो, यहाँ पे हमारे पास ट्रेजरी के ऊपर काफ़ी सारा लूट पड़ा हुआ है, तो इसको पहले क्लेम करते हैं। मैंने पूरा कैलकुलेट करके रखा था भाई, इतना तो मैं गलती नहीं कर सकता। तो अभी जाएंगे क्वीन के पास और इसको डालेंगे 92 लेवल होने के लिए। तो ये रहा हमारा क्वीन, और यहाँ पे इसको लगा देंगे अपग्रेड पे। ओके चलो, अभी इसको फिनिश करने के लिए बुक ऑफ हीरो भी चाहिए, जो मिल जाएगा वीकली डील्स पे। तो पहले वहाँ पे चलेंगे जेम से, पहले खरीद लेंगे बुक ऑफ हीरो। तो ये रहा हमारा बुक ऑफ हीरो, इसको
पहले खरीद लेंगे 500 जेम्स से। चलो खरीद लिया, अभी चलेंगे क्वीन के ऊपर और इसका यहाँ पे अपग्रेडिंग फिनिश करना है। चलो हमने यहाँ पे कर दिया और हमारा क्वीन हो चुका है 92 लेवल का। यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा क्वीन 92 लेवल का, और भी 3 लेवल हमें इसका अपग्रेड करना है, तो चलो वो भी करेंगे। खत्म कहाँ हुआ है, पहले चलेंगे लेबोरेटरी के ऊपर और यहाँ पे जितना भी रिसर्च पोर्शन हमने वहाँ पे लिया था सारा का सारा यहाँ पे चलो हमने बूस्ट कर दिया। अभी जाएंगे टाउन हॉल के ऊपर, वहाँ पे मिल जाएगा हमें डार्क लेजर रून। चलो यहाँ पे हमने यूज कर लिया इसका और यहाँ पे हमारा डार्क लेजर स्टोरेज हो चुका है फुल। अब जाएंगे क्वीन के ऊपर, उसको अपग्रेड पे डालना है। चलो हमने डाल दिया। अब जाएंगे सीजन चैलेंजेस के रिवॉर्ड सेक्शन में, जहाँ पे हमें मिल जाएगा एक बुक ऑफ हीरो, जो यहाँ पे दो पड़ा हुआ है एक हमने क्लेम कर लिया। अब चलेंगे इसका अपग्रेडिंग फिनिश करने के लिए। चलो यहाँ पे फिनिश कर दिया हमने, हमारा क्वीन हो चुका है 93 लेवल का और अभी भी 2 लेवल बचा हुआ है क्वीन को मैक्स करने में। बट हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, डार्क लेजर नहीं है, बुक ऑफ हीरो जरूर है, बट हमारे पास हैमर ऑफ हीरो भी है। तो हम चलेंगे क्वीन के ऊपर और ये रहा हमारा हैमर ऑफ हीरो, इसको यहाँ पे यूज करेंगे। चलो यहाँ पे कर दिया हमने क्वीन को 94 लेवल का। बट नाउ व्हाट, अभी क्या करेंगे, हमारे पास ना हैमर ऑफ हीरो है ना रिसोर्सेज है। बट रुको, शॉप पे चलेंगे, हमारे पास CWL मेडल्स पड़ा हुआ है जिससे हम यहाँ पे एक और हैमर ऑफ हीरो खरीद सकते हैं। तो अभी चलेंगे जल्दी जल्दी क्वीन के ऊपर और यहाँ पे क्वीन का बचा हुआ है फाइनल लेवल ऑफ अपग्रेडिंग। तो चलो यहाँ पे हैमर ऑफ हीरो है हमारे पास, तो यहाँ पे इसको करेंगे यूज और हमारा क्वीन हो गया मैक्स्ड आउट लेवल का। प्रोफाइल पे चलेंगे और बत्ती दिखा देंगे भाई साहब, और ये देखो हमारे क्वीन के ऊपर जल चुका है बत्ती, और यही बत्ती हमें सारे के सारे चीजों के ऊपर जलाना है। बट अभी तो टाइम लग जाएगा, अभी चलेंगे, हमारे पास काफी सारा गोल्ड बचा हुआ है और बस एक ही बिल्डर खाली है, तो इससे एक ही हम लोग अपग्रेड कर पाएंगे कोई भी डिफेंस को। तो चलेंगे एक डिफेंस के ऊपर, बट क्या करना है ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है। एक मल्टी आर्चर टावर तो हमने लगा दिया, रिकोचेट करन फिलहाल के लिए नहीं लगाने वाला, हम लोग यहाँ पे करेंगे एक्सबो को अपग्रेड, और कुछ ज्यादा ही गोल्ड पड़ा हुआ है तो यहाँ पे एक वॉल हो जाएगा। और अभी भी हमारे पास सीजन चैलेंजेस के रिवॉर्ड सेक्शन में कुछ गोल्ड पड़ा हुआ था अनक्लेम्ड, तो पहले ये बुक ऑफ हीरो ले लेते हैं, उसके बाद ये जो हमारे पास गोल्ड है ये ले लेंगे, और बुक ऑफ स्पेल तो हमारे पास ऑलरेडी है बट यूज नहीं कर पाएंगे, क्या ही कर सकते हैं। अभी चलेंगे यहाँ पे, पहले ये सब गोल्ड वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं, एलिक्सर डार्क एलिक्सर। तो आ जाएंगे वीकली डील्स पे और यहाँ पे है गोल्ड और यहाँ पे ये बाय कर सकते हैं हम लोग। चलो बाय कर लिए, अभी चलेंगे सीधा एक्सबो के ऊपर और यहाँ पे एक्सबो लगाएंगे या फिर रिकोचेट करें, भाई अभी भी कंफ्यूजन है। चलो एक्सबो ही कर लेते हैं क्योंकि एक्सबो कुछ ज्यादा ही दिक्कत दे सकता है, तो चलो यहाँ पे एक्सबो को हमने यहाँ पे लगा देते हैं। ओके चलो फाइन, और एक्सबो को इस तरफ कर देंगे। ओके चलो यहाँ पे लगा दिया। अच्छा एक काम करते हैं, इस तरफ खाली जगह है तो पहले मल्टी आर्चर टावर को यहाँ पे कर देते हैं और इस तरफ ये जो एक्सबो है वो भी वहां पे कर देते हैं क्योंकि खाली जगह देखने में अच्छा नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, और हमारे पास कोई भी बिल्डर बचा नहीं है या फिर ऐसा कोई बुक्स नहीं है कि हम लोग बिल्डर को फ्री करवा सके, तो वीडियो यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। बुरा तो लग ही रहा है क्योंकि हमने रूट राइडर को अनलॉक नहीं कर पाए, वैसे ये वीडियो कल आ जाता, थोड़ा सा एडिटिंग का काम बचा था इसीलिए थोड़ा सा लेट आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा मजा आया तो लाइक कर देना, अच्छा लगेगा मुझे, और कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया तो कमेंट भी कर देना। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें, बाय।